वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके मद्देनजर रक्षाबंधन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने लोगों से अपील किया है कि रक्षाबंधन पर्व भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, लेकिन कोरोना महामारी में सभी तरह के उत्सव और त्यौहार को मनाने के तरीके को बदल दिया गया है। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाकर अपना और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शांति और शालीनता के साथ त्यौहार मनाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, सर कल रक्षाबंधन का त्यौहार आगर क्या आपने कैसे लोग त्यौहार मनाए? देखिए, जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, इस कोरोना महामारी ने हर तरीके के हर प्रकार के उत्सव, हर प्रकार के त्यौहार और हर प्रकार के सेलिब्रेशन को करने का तरीका बदल दिया है। तो हमें कोशिश करनी है कि उसी तरीके से हम अपने सुरक्षा और सुरक्षा मानकों के साथ साथ अपने इस पर्व को मनाएं। दो गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, ये जो नारा चल रहा है, ये जो स्लोगन दिया जा रहा है, उसका महत्व है। मास्क लगा के रखें, शहर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण के खतरे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत उस बात की है कि अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण दूसरे का जीवन भी है। संक्रमण का खतरा दोनों से है, इसीलिए इस संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए अपनी खुशियां बनाएं। आपके जरिए अपील करना चाहता हूं लोगों से कि जो शहर में लॉकडाउन लगा है और भी जो बाढ़ की जो स्थिति आ रही है, वो सब के मद्देनज़र इसका त्यौहार शालीनता के साथ, सादगी के साथ, लोगों के भाईचारे के साथ इसको मनाएँ और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। कोरोना की जंग को हराने में हम सबका सहयोग प्रदान करें।